是的。ये पहले तो मैं आप सबसे देखने वाले चैनल में अस्सलाम वालेकुम तरीके से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और जब हाजिरी की बात है तो वो एक नूर की बात है। जब आदमी नूर की नज़र से देखता है तो सामने जो भी जिस्म होता है और उसमें जो भी नजर आती है वो हल्का ज़ाहिर हो जाती है। वो कोई दरगाह पे कोई छिल्ला अक्सर बुजुर्गों में ये होता है, बुजुर्गों के रिश्ता क्या है, एक छिल्ले की रस्म रिवाज होता है, उसमें 7 दिन 6 दिन 11 दिन 6 दिन बाद है। वो छिल्ले का मकसद ये है कि उस दिन कितने दिन हाजिरी देना है। जब उतने दिन हाजिरी वो देता है बुजुर्गों के दरबार में तो बुजुर्ग लोग उसे क्रम करते हैं और हम जैसे बुजुर्ग लोग आते हैं बड़े शहर के बाजार से तो उनके छिल्ले की ज़रूरत नहीं होती और खुद बखुद छिल्ला बन जाता और खुद बखुद ज़ाहिर हो जाता है। साहब अभी तक हाथ में किसके? मेरा तरीका अल्हम्दुलिल्लाह यह है, मैं 11 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ और सबसे बड़ा फैजान मेरे हमारे बुजुर्ग का है, हमारे दादा बुजुर्ग का है और दूसरा फैजान जो है गरीब नवाज के अता का है और सबसे बड़ा फैजान दरूदोसलाम का है। दरूदोसलाम से लोगों का इलाज करता हूँ और लोगों को अता करता हूँ तो वो फिर जो है जोगी जयपाल जैसे अब्दुल्ला बन जाते हैं। इरफान है हमारे इरफानिया हैदराबाद में सफर करते हैं, हमारे लिए इनके भाई हैं डॉक्टर साहब, ये भी इनके भाई हैं डॉक्टर साहब और ये बच्चे सब अजीब है, ये यहाँ हमारी खानका है और खानका में सम्मत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे भी किसी को हाथ नहीं लगाते, ना नींबू ना नारियल ना अंडा ना झंडा ना झंडा, हमारे पास तो सिर्फ दरुद का झंडा है। हम कहते हैं तुम्हारे दिल के तार को अताए रसूल के जरिए हुजूर से जोड़ लो खुद तो अच्छा हो जाए। साहेब आप कौन से सिलसिले से? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे तो मैं हूँ पैदाइशी कादरी और मेरे चिश्तियाँ मुझे जान खिलाया गया और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 18 खिलाफते हैं। सुभान अल्लाह। साहेब अब किसी के ऊपर हाजिरी है? साहेब वो हाजिरी चले गई, वो खुद को जो है वो औरत है या आदमी है वो कहता है महसूस करता है कभी मेरा जिस्म हल्का फुल्का हो गया। इसके जो असरात होते हैं जैसे कि सर दर्द होना, पेट दर्द होना, कमर दर्द होना, घर में चिड़चिड़ा रहना, वो सारी शिकायतें ख़त्म हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, चाहे औरत हो, बेटी हो, माँ हो और चाहे लड़का हो, आदमी हो, ऑटोमेटिक घर वाले खुश हो जाते हैं कि इसको अच्छा हो गया। खेत करने वाले अलग होते हैं, मैंने अभी पहले बताया वो अंडे वाले हो, नींबू पानी वाले, अल्लाह इनको भी हिदायत दे, तौफीक दे और हम जैसे लोगों की बात अलग है। वो इसलिए है कि हम शरीयत के लिहाज शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए ये काम करें।